नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय दुबे मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्र चक्रविधि भी आज के टाइप सिक्स लेकर आए। मेरे मित्र टाइप फाइव में ध्यान दीजिए, हम क्या बताए हुए थे कि चक्रविधि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर निकालना था, लेकिन इस टाइप में मेरे मित्र क्या है कि अंतर दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, केवल दो वर्षों के लिए है, ठीक है मेरे मित्र, ध्यान दिए, दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, दर आर माने दर, ध्यान दीजिए, दर को हम आर से डिनोट करें मेरे मित्र, आर स्क्वायर, दर के स्क्वायर, और दो अंक के बाद दशमलव, पीछे से दो अंक के बाद दशमलव, पीछे से देंगे दो अंक के बाद दशमलव। ये मेरा सी आई माइनस एस आई निकालना है। हम कह सकते हैं क्या कि सी आई माइनस एस आई इजकल टू, दो वर्षों का जब सी एम एन एस एस निकलता है तो रेट का यानी दर का स्क्वायर करते हैं और दो अंक के बाद दशमलव देते हैं पीछे से। ये फार्मूला है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। तो इसी फार्मूला से आधारित हम इस सवाल को बनाएंगे मेरे मित्र, चलते क्वेश्चन भी भली भांति समझ में आएगी, ठीक है मेरे मित्र। ध्यान दीजिए मेरी, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है तो धनराशि होगी। देखिए कितना है मेरे, पिछला टाइप में हम लोग पढ़ाते थे अंतर निकालना पड़ता था, पिछला टाइप में अंतर निकालना पड़ता था, लेकिन इस टाइप पे अंतर निकाल के दे दिया, बोले तो धनराशि होगी। मेरे मित्र इस टाइप में धनराशि निकालना, धनराशि माने मूलधन निकालना है। अच्छा मेरे में ध्यान दीजिए, अंतर दिया, हम लोग रेशियो में अंतर निकालते हैं, तो हमने जस्ट बताया कि दर का स्क्वायर करते हैं, दर माने आर, आर माने रेट, यानी रेट का स्क्वायर करते हैं और दो अंक के बाद दशमलव पीछे से, है ना मेरे में, दो अंक के बाद दशमलव। ये मेरा क्या आएगा, सी आई माइनस ऐसा, ठीक है मेरे मित्र, ध्यान दीजिए। पहले ये कि सी आई माइनस ऐसा हम निकालते हैं। अब एक चीज और बात है, एक चीज़ और जानते हैं आप सभी कि प्रतिशत में, याद रखिए एक चीज़ कि प्रतिशत में, परसेंटेज में मूलधन, प्रतिशत में परसेंटेज में मूलधन, मूलधन 100% होता है। मैं भी ध्यान दीजिए थोड़ा, मैंने कहा कि प्रतिशत में मूलधन 100% होता है। आप एक चीज़ देखिए, सी एम एन एस आई दिया हुआ है, पहले हम सी एम एन एस आई निकाल लेते हैं, तो क्या है दर का स्क्वायर, आर कितना मेरे मित्र 4% यानी 4, यानी आर की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एक दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव, 1% है, 0.16% यानी इतना है सी एम एन एस एस आई, यहाँ दिया है सी एम एन एस एस आई कितना 8, तो 1% निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 1% हो गया 8/0.16%। क्या निकालना है, मूलधन, मूलधन यानी धनराशि अपने आप में कितना 100%, तो वह धनराशि अपने आप में कितना हो जाएगा 100% यानी मूलधन निकालना है, यानी कितना परसेंट निकालना है 100%, तो 8/0.16 × 100% ए परसेंट से 1% कट गया, पॉइंट हटा तो यहाँ 100 और यहाँ देखिए 8 × 16 दो हुआ मेरे मित्र, और 2 से क्या हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा 5000। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, समझ गए सभी, है ना मेरे मित्र, ध्यान दीजिए क्या किए, एक बार और समझिए कि आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4×16 यानी 2 अंक के बाद दशमलव। ये मेरा आ गया सी आई माइनस एस आई, ये जो हो गया सी आई माइनस मेरा या सी एम एन एस एस आई इतना, लेकिन प्रश्न में सी एम एन एस एस आई कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर कितना दिया 8 दिया है, तो सी एम एन एस एस आई बराबर सी एम एन एस एस आई यानी 0.16% बराबर इतना 8, तो 1% बराबर 8/0.16%, तो 100% क्योंकि मूलधन परसेंट में, अपने परसेंट में है, परसेंट में अपने आप में कितना परसेंट 100%, तो कितना से गुना 100 से गुना किए कितना है 5000। तो मैंने भी ध्यान दिया, इतना नहीं बनाना है लॉन्ग की तरह, 1 से 2 सेकंड में बनेगा, चैलेंज है, सिर्फ वीडियो देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए आखिर कैसे बनाना है इसको, समझ गए होंगे, चलिए कुछ इतना नहीं करना है, ध्यान दीजिए आखिर इसको कैसे बनाना है जल्दी। तो मैंने भी जल्दी इस तरह बनाएंगे
कि आपका जो प्रश्न में दिया है चुपचाप लिख देंगे, लिख दिए भट्टा कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा आर दर, तो आर 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 माने दर, दर कितना है 4%, तो 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, तो तुलना कर देंगे 16। यहाँ दो अंक के बाद तो 1 1 2, दो अंक के बाद 10 है ना मेरे मित्र। आप ध्यान दीजिए ये परसेंट हुआ। आप देखिए तो क्या हो गया, सी एम एन एस एस है बट्टा सी एम एन एस एस है, निकालना क्या धनराशि, धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होता है इस पर ध्यान रखना है, धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, यानी 100% का मान निकालना है। तो 1% से परसेंट से परसेंट खत्म, ये पॉइंट हटाइएगा तो 110 100। आप देखिए 8 से 8 दूनी 16 और 2 से 50 तो कितना हो गया मेरे मित्र 5000। कोई डाउट है मेरे मित्र, देख रहे हैं ना 1 से 2 सीखने में बन रहा है ना मेरे मित्र, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन दूसरा देखिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान ये क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना दिया है, सी एम एन एस एस कितना दिया है मेरे मित्र 35 रुपया। तो चक्र तो धनराशि होगी वही वही बात हो रहा है, शुरू में मूलधन क्या था मेरे मित्र ध्यान दीजिए, हमने जस्ट बताया सी एम एन एस एस निकालने का होता है कि दर का स्क्वायर दो के बाद 0.5% मूलधन 100% होता है। तो हमने बताया कि जो 3500 का चुपे चापे लिख देंगे आई एस सी एम एन एस एस आई, तो नीचे भी सी एम एन एस एस आई, तो सी एम एन एस एस आई बोले आर स्क्वायर आर यानी 5 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 2 अंक के बाद 0.5 पीछे से एरो के मतलब पीछे से 1 2 यानी 1 2 यानी इतना परसेंट। आप एक चीज ध्यान दीजिए, मूलधन निकालना है धनराशि तो अपने आप में कितना परसेंट 100%। आप ध्यान दीजिए परसेंट से परसेंट खत्म, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कई गो हम 1 2 तो ऊपर ऊपर कई गो जीरो जाएगा, ऊपर कई गो जीरो जाएगा मेरे मित्र 1 पर 2 0 ठीक है। ये पॉइंट हटा इसीलिए पॉइंट के बाद 2 गो अंक इसीलिए 2 0 ऊपर आया। अब ये 25 से काटते हैं तो 25 25 चौका 100, अब ये 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 चौका 140 और ये 2 0 यानी कितना हो गया मेरे मित्र 14000। एक चीज़ समझिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र। आप जान दी परसेंट और ये परसेंट कट गया, ए परसेंट और ए परसेंट कट गया, तो लिखना क्या जरूरी है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा जैसे 35 हमने लिखा, ये क्या है सी एम एन एस एस है, तो नीचे सी एम एन एस ऐसा निकालेंगे कब आर स्क्वायर यानी 5 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 अंक के बाद 0.5% गुने 100%। अच्छा मतलब ये परसेंट परसेंट कटिए रहा है तो लिखना जरूरी है, नहीं तो अब हम ये भी नहीं लिखेंगे। सुनिए ए परसेंट कट ही जाएगा तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। आप चलते हैं मेरे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 2 0 तो ऊपर जाएगा, ये 25 चौका 100। आप ध्यान दीजिए मेरे मित्र क्या है 35 चौका 140 और 2 0 ये यानी कितना हो गया 14000, है ना मेरे मित्र आसान, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है मेरे मित्र। बोला किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपया है, तो धनराशि क्या है। ध्यान रखिए सी एम एल एस निकालने का होता है आर स्क्वायर पीछे से 0.2 के बाद और मूलधन अपने आप में 100%, तो हम चुपचाप 65 लिखेंगे। 65 आखिर क्या है ये ध्यान देंगे, ये बोला सी एम एन एस एस है तो नीचे भी सी एम एन एस एस है। आप ध्यान दीजिए 10 सी एम एन एस एस होता है आर स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100 लिख दिए, 2 अंक के बाद 0.1 2 अंक के बाद 0.2 0 दशमलव के बाद 0 का कोई मान्य होता है नहीं होता है। निकालना क्या है, क्या चीज़ धनराशि, धनराशि कितना होता है परसेंट में 100%, यानी हम बताए हैं कि यो परसेंट कट जाएगा, इसलिए परसेंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब बताइए यहाँ 2 0 है कोई लिखने कोई फायदा है नहीं है, तो मेरे मित्र सीधा गुना हो जाएगा क्या 65 बट्टा 1 गुने 100 मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा 65। एक सेकंड में बना कि नहीं बना, बना ना मेरे मित्र ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या है,
एक रुपया 50 पैसा, रुपया यानी 1.5 रुपया है, तो धनराशि क्या है? देखिए इसमें दशमलव में दिया हम तक, सिया मैंने से दिया कितना है 1.5 रुपया, तो नीचे में भी कितना क्या होना चाहिए, सी एम एस एस है यानी दर के स्क्वायर आर के स्क्वायर, आर कितना है 5, 5, 5, 25, दो अंक के बाद दशमलव, ये प्रतिशत आया। प्रतिशत क्यों लिखे, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत कट ही जाता है मेरे मित्र, हमें निकाला मूलधन, मूलधन अपना कितना परसेंट, 100% हम नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंट कट जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद दो अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक मेंटेन कट गया। अब देखिए 25 चौका 100 और 15 चौका 60 यानी कितना हो गया 600। देख रहे कितना आसान है मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार बहुत बहुत, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 3600 रुपया हो तो वह राशि कितनी है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि हर 6 महीने में जोड़े जाने वाले, हर 6 महीना में जोड़े जाने वाले का मतलब यह हुआ मेरे मित्र कि 6 माही संयोजन यानी 6-6 महीना पे देना है ना, 6 माही संयोजित है, इसका मतलब हुआ कि हर 6 महीना बाद जोड़े जाने वाली, इसका सेंस हुआ 6 माही संयोजित है। ध्यान दीजिए चलिए बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा मेरे मित्र, रेट दिया है कितना 12%, टाइम कितना दिया है मेरे मित्र 1 वर्ष, और ध्यान दीजिएगा 36 दिया है क्या चीज, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का अंतर, यानी दिया है सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 36। मेरे मित्र बोला कि 6-6 महीना पर जोड़ना है तो बताइए, यानी 6 माही संयोजित है, 6 माही संयोजित है। आप ध्यान 6 माही संयोजित में चलते हैं तो ये वार्षिक है मेरे मित्र, ये जो है ना वार्षिक है, ये वार्षिक है, ये 12% वार्षिक है, 6-6 महीना पर देगा तो 6% 6 माही है ना मेरे मित्र। आप ध्यान दीजिए चुकाना है 1 साल पे, आखिर 6-6 महीना पर दीजिएगा, कितना टर्म में दीजिएगा, 2 टर्म में, यानी क्या होगा 2-6 माही, बस क्या बात है। ध्यान दीजिए बन गया सवाल, आप ध्यान दीजिएगा केवल 2 वर्षों के लिए हम बताए थे तो 2 वर्ष हो जाएगा, 2 टर्न हो ही रहा है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए मेरे मित्र, कहा 3600 रुपया तो हम लिख देंगे 3600 रुपया, यह सी एम एन एस एस आई तो यहाँ भी होगा सी एम एन एस एस आई, हम बताए थे कि आर स्क्वायर होता है और 2 अंक के बाद दशमलव होता है पीछे से, बताए थे ना मेरे मित्र, आप ध्यान दीजिए। तो 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और पीछे से 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, मेरे मित्र निकालना क्या है और राशि कितनी है तो हो जाएगा 100 यानी कितना हो जाएगा 100 है ना मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। अभी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक 2 ठो तो क्या हो जाएगा 2, 36 से 36 कट गया, यानी मेरे मित्र कितना आया आंसर, कितना आया मेरे मित्र 10,000, क्या आया 10,000, यानी मूलधन क्या है 10,000। ठीक है मेरे मित्र, उम्मीद करता हूँ सभी समझ गए होंगे है ना मेरे मित्र, बस 1 से 2 सेकेंड में आप बना देंगे इस क्वेश्चन को, जरूर एक बार और वीडियो देख ले कन्फ्यूजन हुआ है तो, अगर थोड़ा डाउट है तो पिछला टाइप का वीडियो जरूर देखे क्योंकि उसमें हम 2 वर्षों का सी एम एन एस एस आई निकालने का कंसेप्ट दिए थे और सवाल पर चर्चा किए थे। ठीक है मेरे मित्र, तो वीडियो को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे मित्र, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।